सो गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मॉडर्न टेक टिक्स। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लिमलाइट में है। टॉपिक है अमेजोन की रिफंड ट्रिक। तो वैसे पहले आपको साफ शब्दों में समझा दूँ, इसकी कोई ट्रिक होती नहीं है जिससे हम अमेजोन का सामान वापस ले लें और हमें पैसे भी नहीं देना पड़े। हालांकि होती है एक धोखाधड़ी की स्कीम, वो स्कीम क्या उसके बारे में बात करेंगे हम वीडियो में आगे। और हम बात करेंगे कि इनकेस हमारे पास कुछ गलत सामान या फिर कुछ डिफेक्टिव चीज़ डिलीवर हो जाती है अमेजोन की ओर से और हमें रिफंड क्लेम करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं अमेजोन ऐप के ऊपर अपने फ़ोन से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको देखने का कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से हम अमेजोन से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं अमेजोन से रिफंड किस तरह से क्लेम करा जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अमेजोन की रिफंड पॉलिसी क्या है। तो अमेजोन की रिफंड पॉलिसी में हमें साफ बताया जा रहा है कि हम अगर हमारे पास कुछ गलत सामान डिलीवर हो जाता है या फिर कुछ डिफेक्टिव या एम्प्टी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तो उस केस में अमेजोन हमें पूरा रिफंड प्रोवाइड कराता है या फिर उस सामान का रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है, तो हमारा पैसा पूरा सेफ है। इसके लिए काफ़ी सुविधाएं भी दी गई है, जैसे हम हमारा पैसा अमेजोन पे बैलेंस में या फिर अपने बैंक अकाउंट में या फिर हम चाहे तो चेक की डिमांड कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो अपना पैसा घर पर भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो हो गई पॉलिसी की बात। अब चलते हैं मेन कैसे क्लेम करना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले ऊपर जो अमेजोन लिखा है वहाँ पर तीन लाइन है, वहाँ पर टच करना है। टच करने के बाद सबसे नीचे आना है, वहाँ पर कस्टमर सर्विस का ऑप्शन होगा, हमें वहाँ जाना है। कस्टमर सर्विस के ऑप्शन में जाने के बाद सबसे नीचे लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस, हमें कॉन्टैक्ट अस पर टच करना है। उसके बाद में कॉल का ऑप्शन होगा तो हमें कॉल करना है, क्योंकि मैसेज पर वो सुनते नहीं है, सीधा कॉल ही करना पड़ता है। तो उसके बाद हम हमारा सूटेबल ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, किस ऑर्डर पे हमें करना है। तो मैं भी अपना एक ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, जिससे मुझे इस पे उसके बाद एक ऑप्शन आते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन, तो उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सूटेबल जो आपको हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन होता है कॉल मी नाउ, आप कॉल मी नाउ करिए, अपनी जो बात करनी है वो आप बात कर सकते हैं और उन्हें बताइए हमारी क्या तकलीफ़ है। उसके बाद आपका जो पैसा है वो रिफंड कर देते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, वो सीधे रिफंड कर देते हैं। हमको अमेजन की पॉलिसी है कि अगर करने या इस तरह की कोई डिफिशेंसी है तो पूरा रिफंड मिले। जो परचेज का उसको रिफंड मिलता था, और जो मोबाइल फ़ोन नॉर्मली हाई एंड मोबाइल फ़ोन आईफोन सैमसंग के जो हाई मोबाइल फ़ोन आते हैं वो उसकी खरीदी करते, वो मोबाइल भी उसके पास रहता था तो रिफंड का भी पैसा आता था, और जो मोबाइल फ़ोन जिसके पास डिलीवर हुआ है उसको भी वो बेचता था। पुलिस के मुताबिक शिवम महंगे फोन ही ऑर्डर करता था और फोन और रिफंड मिलने के बाद उसी मोबाइल को दूसरी साइट पर ऑनलाइन बेच देता था। पुलिस के मुताबिक शिवम ने 2 महीने के अंदर ई कॉमर्स साइट पर 225 मोबाइल ऑर्डर किए, 127 ऑर्डर में उसको रिफंड भी मिला। कुल ऑर्डर 67 लाख के थे जिसमें उसने 52 लाख रुपए कमाए। शिवम ने मोबाइल ऑर्डर करते वक्त कभी भी अपना सही पता नहीं लिखा, यही नहीं उसने अलग अलग ऑर्डर के जरिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 150 सिम भी दी। बुक मोबाइल फोन बुक करने के बाद वो एड्रेस एक्यूरेट नहीं देता था, सो दैट जो डिलीवरी बॉय उसको ये नहीं पता चलेगा कि एड्रेस है, मोबाइल नंबर होता था तो कहता था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आप यहाँ पे आ जाइए। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली साइट्स अपने कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए किस तरह के रिफंड करती है। तो दोस्तों देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर आप इसको अपने पर्पस से करते हैं तब तो इट्स वेल एंड गुड, पर अगर आप इसको धोखाधड़ी के पर्पस से करते हैं तो आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आप कितना ही VPN यूज कर ले या फिर आप कितना ही अपना IP एड्रेस को हाइड कर ले, अगर ये मामला एक बार साइबर सिक्योरिटी तक पहुंच गया तो आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप 100, 200, 500, 1000, 5000 रुपये की चीज़ के पीछे अपने पूरे करियर को दांव पर लगा बैठेंगे और हमेशा आपके नाम के ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि इसने चोरी करी। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम मॉडर्न टेक टिक्स। होप आपने पूरी वीडियो देखी और आपको समझ में आया कि अमेजोन की रिफंड ट्रिक क्या धोखाधड़ी है, किस तरह से ये सब होता है और अगर आपको सचमुच अमेजोन से रिफंड क्लेम करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो एंड में आपसे वापस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको देखने का पसंद आई या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हम सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।